गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। गोंगपा के प्रदेश अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य हरीश उइके ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि 6 अक्टूबर को कसुरचन पार्क में गोंगपा वंचित का सम्मेलन होगा। आजादी के बाद से अब तक आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है, उनका पैसा कहीं और लगा दिया जाता है, उनका जल जमीन जंगल छीना जा रहा है। अब तक जो लोग सत्ता में हैं, किसी भी पार्टी के आदिवासी प्रतिनिधियों ने आवाज नहीं उठाई है। मैं अपनी पार्टी के वादों पर कायम है। डीबीटी जैसी नीतियों को खत्म करने की जरूरत है, लेकिन इस पर कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इसलिए अब असली आदिवासियों को सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। गोंगपा और वंचित बहुजन आघाड़ी इसके लिए सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 6 अक्टूबर को विद्युत अधिग्रहण बैठक का आयोजन कर मुख्य मार्गदर्शक एडवोकेट प्रकाश आम्बेडकर रहेंगे। इस अवसर पर वंचित के राहुल दहिकर, अरविंद संडेकर, गोंगपा के बापू माधवी, राजेश इरपाटे, नामदेव शर्मा के आदि उपस्थित थे। आज इथे कित्येक गाववाल्यांना आमच्या आदिवासी बांधवांना विस्थापित केलं गेलं, ते आपल्या घरांचे जीवन जगत आहे। तिथले प्रतिनिधी हे आपले काय टक्केवारीसाठी त्या अदानी अंबानी त्या सपोर्टला जातात, परंतु आदिवासी समाज बेघर होत आहे। त्यांचे जीवन मरणाचे प्रश्न ते कधीही उचलले नाही किंवा मुद्देसूर मांडू शकत नाही, हे सोपानतिका आहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।